हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो एन के Z8 एंड टॉप वेरिएंट Z8L के बारे में। तो अगर आप इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूज हैं और तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको हेल्प मिलेगी इस वेरिएंट को बुक करने में, किसी एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट को देखने में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप Z2, Z4 या Z6 में कौन सा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है ये देखना चाहते हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जो भी फीचर Z8 में मिसिंग है और Z8L में है उनको मैंने मार्क किया हुआ है, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि हमारे पास कम ही टाइम है वेरिएंट को अपग्रेड या डाउनग्रेड करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आता है ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन। ये होता है, ये Z8 में नहीं है, Z8L में है। ये होता है ड्राइवर को अलर्ट करता है, उसको नींद वगैरह आती है, तो Z8 में मिसिंग है, ये Z8L में दिया हुआ है। सेकेंड पे आता है पार्किंग सेंसर। पार्किंग सेंसर Z8 में रियर में मिलता है, लेकिन Z8L में रियर या फ्रंट में दोनों में मिलता है ये। थर्ड पे आते हैं सोनी 3D इमर्सिव ऑडियो 12 स्पीकर्स विद ड्यूअल चैनल सब वूफर। ये Z8 में नहीं है, Z8 में मिसिंग है, Z8L में आपको ये मिल जाता है। और वायरलेस चार्जिंग का देख लेते हैं। Z8 में ये नहीं है, लेकिन Z8L में है, लेकिन डीजल फोर व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक में है, इसमें नहीं है। अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं वो Z8L के लिए ही बना रहे हैं सिर्फ। नेक्स्ट वीडियो आएगी वो Z8, Z8L और Z8L फोर व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक के लिए। आता है कैमरा, रियर में मिलता है हमें Z8 में, और Z8L में रियर प्लस फ्रंट में मिल जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें 6-way ड्राइवर पावर सीट। Z8 में ये मिसिंग है, Z8L में ये हमें मिल जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे अलॉय व्हील्स, R18 व्हील्स विद 255/60 टायर्स। ये Z8 में ऑटोमेटिक में है डायमंड कट में, और Z8L में भी ऑटोमेटिक में डायमंड कट अलॉय में, लेकिन हम सिर्फ Z8L की बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको R17 इंच कट अलॉय मिलेंगे इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन में। ये तीन चीज़ें और आती हैं, लेकिन ये फोर व्हील ड्राइव के लिए है सेलेक्टेबल। ये शिफ्ट ऑन फ्लाई फोर व्हील ड्राइव के लिए है, तो ये डीजल फोर व्हील ड्राइव में आता है। ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फोर एक्सप्लोर इंटेलिजेंट 4x4 सिस्टम विद सेलेक्टेबल टेरेन मॉड्यूल स्नो मड रट्स एंड सैंड्स। ये भी फोर व्हील ड्राइव के लिए है। फोर व्हील ड्राइव के लिए हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ Z8L मैनुअल और टू व्हील ड्राइव के लिए बात कर रहे हैं। मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंस ब्रेकर लॉकिंग डिफरेंशियल, ये भी फोर व्हील ड्राइव के लिए है। तो इसमें फ्रेंड्स काफ़ी कम फीचर्स हैं जो एडिंग फीचर हैं, लेकिन कॉस्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा है। अराउंड 2.5 लाख की कॉस्ट ऐड होती है Z8 को, Z8L से लेके। लेकिन सबसे पहले हम ये फीचर्स देखते हैं कि हमें सेफ्टी के फीचर्स किस में मिल रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा फीचर मिल रहा है इसमें? नहीं मिल रहा। एयरबैग्स की अगर हम बात करते हैं तो वो हमें Z8 में सेम मिल जाते हैं, फ्रंट साइड कर्टेन में 6 एयरबैग हैं दोनों में, तो हमारे पर्पज़ सोल्व हो जाता है। मेन चीज़ अगर हम देखते हैं जिसका इन्होंने काफ़ी बोल रहे थे, वायरलेस चार्जिंग का, लेकिन वो भी हमें Z8L में नहीं मिलता है, वो डीजल फोर व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक में मिलता है। तो इसमें अपग्रेड करने का कोई सेंस नहीं बनता है, हमें टैग के सारे फीचर मिलते हैं। और मेन 18 इंच अलॉय व्हील भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मिल रहे हैं। अभी अगर हम Z8L की बात करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस कंपेयर किया था Z6 से Z8 में, तो उसमें अराउंड 12 टू 13 फीचर्स थे जो एडिंग फीचर थे, जिसमें हमारा वैल्यू फॉर मनी Z8 बना था। लेकिन आज भी हम कंपेयर करते हैं तो Z8 ही वैल्यू फॉर मनी है, ना कि Z8L। अब आप बोलेंगे कि फिर टॉप वेरियंट किसके लिए है? उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम बात करेंगे Z8, Z8L एंड Z8L ऑटोमेटिक फोर व्हील ड्राइव। उसमें फिर देखेंगे वैल्यू फॉर मनी कौन सा वेरिएंट निकल के आता है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।